दोस्तों, आप लोगों में से ही बहुत सारे भाइयों और बहनों ने कमेंट कर ये बात कही थी कि भोजपुरी फिल्मों के कॉमेडियन एक्टर कॉमेडी सुपरस्टार गोधना उर्फ संजय महानंद जी एक फिल्म में काम करने के लिए कितने रुपए लेते हैं वो बताएं। तो दोस्तों, मैं इसलिए ये वीडियो लेकर आप सबों के बीच आया हूँ। तो चलिए जानते हैं कि भोजपुरी फिल्मों के किंग ऑफ कॉमेडी एक्टर गोधना उर्फ संजय महानंद जी एक फिल्म में काम करने के लिए कितने रुपए लेते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले यदि आप लोगों में से किसी ने अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल प्रभास कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल प्रभास कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही चैनल के बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि भोजपुरी फिल्म, भोजपुरी एक्टर एक्ट्रेस से जुड़ी हर एक नई पुरानी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों, जिस तरह एक फिल्म में हीरो हीरोइन और गुंडे का होना जरूरी है, ठीक उसी तरह एक फिल्म में कॉमेडियन एक्टर का भी होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, वैसे तो भोजपुरी फिल्मों में बहुत सारे कॉमेडियन एक्टर हैं, लेकिन सबसे ऊपर गोधना उर्फ संजय महानंद जी का नाम आता है। और यदि बात करें कि संजय महानंद जी उर्फ गोधना जी एक फिल्म में काम करने के लिए कितने रुपए लेते हैं, तो आप सबों को बता दूं कि संजय महानंद जी उर्फ गोधना जी सिर्फ एक फिल्म में काम करने के लिए, सिर्फ एक फिल्म में कॉमेडियन एक्टर का भूमिका निभाने के लिए पूरे 3 लाख रुपए लेते हैं, जो भोजपुरी के सभी कॉमेडियन एक्टर के चार्ज फीस से अधिक है। और वहीं दोस्तों, आप सबों को बता दूं कि संजय महानंद जी लगभग 2 से 3 ऐसे फिल्में की है जिसमें गोधना जी हीरो के रोल में है, और ऐसे सिर्फ एक फिल्म को करने के लिए 5 लाख रुपए लेते हैं गोधना जी उर्फ संजय महानंद जी। और हाँ दोस्तों, एक और खास बात, संजय महानंद जी उर्फ गोधना जी निरहुआ जी, खेसारी जी और पवन सिंह जी का सबसे फेवरेट, सबसे पसंदीदा कॉमेडियन एक्टर है। क्या आप सबों का भी फेवरेट, भोजपुरी फिल्मों का सबसे फेवरेट कॉमेडियन एक्टर गोधना जी उर्फ संजय महानंद जी है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। और यदि आप सबों को ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए गुड विशेस फॉर गुड लक।